हाय दोस्तों, कॉरिट इलेक्ट्रिक ने भारतीय बाज़ार में अपनी होवर 2.0 और होवर 2.0 प्लस लो स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च कर दिया है। दोनों इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 1,00,000 रुपये से कम कीमत पर लॉन्च की गई है। इनके मैक्सिमम सिंगल चार्ज पर रेंज 110 किलोमीटर बताई जा रही है। लो स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर होने के नाते इनकी जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर तक सीमित रखी गई है। इनमें चुनने के लिए कलर में काफ़ी सारे ऑप्शन भी मिलते हैं। रिपोर्ट के अनुसार मोटरसाइकिल की कीमत 79,999 रुपीस रखी गई है। यह कॉरिट होवर 2.0 की कीमत है। वही प्लस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कीमत 89,999 रुपीस रखी गई है। ग्राहक इन लो स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक को रेड, ब्लैक, वाइट कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने ग्रेटर नोएडा और सिटी मॉल में पहला ऑफलाइन स्टोर खोलने की घोषणा भी की है, जहां बाइक सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएंगी। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 1.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। वही प्लस वाले मॉडल में 1.8 किलोवाट आवर का बैटरी मिलता है। दोनों बाइक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड पकड़ सकती है और केवल 3 सेकंड में 0 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। होवर 2.0 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फुल चार्ज में 80 किलोमीटर तक की रेंज देती है। वही होवर 2.0 प्लस की फुल चार्ज रेंज वो 110 किलोमीटर तक की है। इसमें एक कॉम्बिनेशन स्विच, लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कंपनी के दावे के अनुसार बेहतर लॉक सिस्टम दिया हुआ है। इसके अलावा नई लॉन्च की गई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कस्टम बाइक कवर और लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन होल्डर को भी सपोर्ट करती है। तो कुछ इस तरह की ये काफ़ी शानदार दिखने वाली फैट टायर वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भारत में उपलब्ध कराई गई है। तो क्या आप इसे खरीदना पसंद करोगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के नए ऑटोमोबाइल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें।